कल हमने पूर्णांकों के बारे में पढ़ा था और पूर्णांकों में जैसा कि बताया गया था कि सभी ऋणात्मक एवं धनात्मक प्राकृत संख्याएं और शून्य शामिल होती हैं। मैं उनको एक बार फिर से आपके सामने लिख रहा हूं कि इसके अंदर सारी की सारी धनात्मक प्राकृत संख्याएं शून्य और सारी की सारी ऋणात्मक प्राकृत संख्याएं शामिल होती हैं। अब इनके गुणों पर जाने से पहले मैं थोड़ा सा चिन्हों के ऊपर बात कर लेता हूं। वैसे तो कल भी थोड़ी की गई थी लेकिन आज एक बार और कर लेते हैं कि यदि चिन्ह हमारे पास आ जाते हैं और वो भी लगातार, लगातार का मतलब माइनस और माइनस ब्रैकेट में ऐसे आ जाते हैं, प्लस और माइनस ब्रैकेट में ऐसे आ जाते हैं, माइनस और प्लस आ जाते हैं और प्लस और प्लस, ये तो हमेशा प्लस ही रहेगा क्योंकि ये तो हम करते ही आ रहे हैं कि एक जोड़ वाली संख्या को जोड़ वाली संख्या से ही गुणा करें, मतलब एक पॉजिटिव नंबर को एक धन नंबर को धन से ही गुणा करें तो उत्तर हमेशा धन ही आएगा। इन जो चिन्हों हैं इनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है तो इसके लिए बहुत ही अच्छा है कि ये उदाहरण है कि एक त्रिभुज पे हमने तीन निशान ले लिए, इसके अंदर दो माइनस के रखो और एक प्लस का, दो नेगेटिव साइन ले लिए और एक पॉजिटिव साइन ले लिया। कोई भी दो साइन हमें यदि लेने हैं, ये माइनस माइनस है तो इन दोनों को ढक लें, इसका आंसर हमेशा किस में आएगा, फिर प्लस में आएगा। ये क्या हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा। यदि दोनों हमारे पास एक प्लस का और एक माइनस का, एक धन का और एक ऋण का, एक जोड़ का एक घटा का साइन है तो हम एक जोड़ एक घटा को ढक लेंगे तो हमारे पास क्या बच गया, नेगेटिव साइन बचा है तो ये नेगेटिव वन हो जाएगा। और यदि हमारे पास एक घटा और एक जोड़ है, एक घटा और एक जोड़ को यदि हम ढक लेते हैं तो हमारे पास फिर क्या साइन बचता है, वो भी नेगेटिव साइन ही बचता है। तो इसको ध्यान से समझें कि यदि दो नेगेटिव एक साथ आ रहे हैं, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लीकेशन ही होता है कि मल्टीप्लाई है इसके साथ, इकट्ठे आ रहे हैं, ऐसे नहीं लेना कि माइनस दो और माइनस तीन है, इसका मैंने कल आपको बता रखा है, ये लगातार नहीं आ रहे हैं, इसके बीच में अंक है, संख्या है, तो संख्या को ध्यान में रखना है, यहां संख्या नहीं है, ब्रैकेट है। यदि इस प्रकार से चिन्ह दो बराबर आते हैं तो इसका इस्तेमाल करना है, दो नेगेटिव आते हैं तो दोनों नेगेटिव को ऊपर हाथ रखें, पॉजिटिव हो गया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव नेगेटिव पे हाथ रखें, नेगेटिव हो गया, एक नेगेटिव पॉजिटिव है तो नेगेटिव पॉजिटिव पे हाथ रखें, क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, और पॉजिटिव पॉजिटिव तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा ही। यदि मैं दो पूर्णांकों का जोड़ करूं, दो जमा तीन पांच आ गया, माइनस दो जमा तीन एक आ गया, मैं जोड़ ही तो कर रहा हूं, माइनस तीन जमा माइनस एक ये जोड़ है बीच में, और मैंने जैसे कि पहले आपको बताया था कि पहले इसको हल करना है, यदि दो निशान आ जाते हैं, देखो इकट्ठे आ गए ना दोनों निशान, तो बाकी तो ऐसे कैसे रहेंगे, इन दोनों निशानों का एक पॉजिटिव और नेगेटिव का हमने देखा था भाई, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को ढक लेते हैं तो हमारे पास क्या बच गया, नेगेटिव बचा तो ये नेगेटिव एक आ जाएगा हमारे पास, और जब इसको करेंगे नेगेटिव थ्री और नेगेटिव वन क्या हो गया, नेगेटिव फोर हो गया। अब जब हमने देखा कि दो पूर्णांक लिए हैं, एक दो एक तीन, उनका जोड़ क्या आया है, एक पूर्णांक आया है, जब हमने लिया है नेगेटिव दो और तीन, इनका जोड़ एक है वो भी पूर्णांक है, फिर हमने लिया है नेगेटिव तीन और नेगेटिव एक, नेगेटिव तीन और नेगेटिव एक, ऋण तीन और ऋण एक, ये भी पूर्णांक है, और इनका जोड़ क्या बना है, नेगेटिव चार, ये भी एक पूर्णांक है। अर्थात यदि हम दो संख्याओं को जोड़ते हैं, दो पूर्णांकों को जोड़ते हैं तो उनका जोड़ हमेशा पूर्णांक होगा, जबकि ए और बी की क्या है, पूर्णांक है। इस नियम को हम बोलते हैं संवृत, क्या बोलते हैं, संवृत क्लोज्ड संवृत, मतलब जो पूर्णांक हैं वो योग के अंतर्गत संवृत हैं।
मतलब दो पूर्णांकों का यदि जोड़ करेंगे तो उत्तर हमेशा एक पूर्णांक ही आएगा। अब घटाव में भी करके देख लेते हैं, दो में से तीन घटाएंगे, दो में से तीन गए नेगेटिव है, माइनस दो में से माइनस तीन घटाएं, अब नेगेटिव तीन घटाना है नेगेटिव दो में से, और बीच में घटाव का निशान है तो दो घटाव आगे ना इकट्ठे, ये दो घटाव इकट्ठे आ जाएंगे तो हमें क्या करना है, अभी ये देखना है दो घटाव इकट्ठे आगे तो क्या बनेगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा और यहाँ पे थ्री प्लस का बन जाएगा ना, तो एक जोड़ एक घटाएगा तो हमेशा घटा होनी है, बड़े में से छोटा घटेगा, तीन में से दो गए एक और निशान बढ़ेगा पॉजिटिव एक बच गया। ऐसी आप और उदाहरण लेके कर ले, और करके यदि आप देखेंगे कि जब दो पूर्णांकों की घटा की गई तो हमारे पास नेगेटिव एक पूर्णांक आया है, जब दो पूर्णांकों की घटा की गई नेगेटिव दो और नेगेटिव तीन की तो भी हमारे पास एक आया है, वो भी क्या है पूर्णांक है। इसका मतलब जो पूर्णांक है वो घटाव के अंतर्गत भी समृद्ध है, योग के अंतर्गत भी और घटाव के अंतर्गत भी पूर्णांक है वो समृद्ध है। अभी दूसरा नियम एक और हमारे पास आता है समृद्ध के बाद, क्रम विनिमेय, क्रम विनिमेय भी उसी प्रकार से मुझे दो भागों में लूंगा उसको, ये के अंतर्गत लूंगा मैं एक और एक किसके अंतर्गत लेना है घटाव के, एक योग के अंतर्गत लेते हैं घटाव के अंतर्गत लेते हैं। यदि दो संख्याओं की को जोड़ा जाए दो जमा तीन तो क्या तीन जमा दो के बराबर होगा, संख्याओं का क्रम बदल दिया गया है, पहले दो आगे था अब दो बाद में है, दो जमा तीन कितना हो गया हमारे पास पांच और तीन जमा दो भी पांच, बिल्कुल सही है। यदि मैं घटा के दो में तीन जोड़ू और तीन घटा दो, आगे पीछे संख्याओं को कर लेते हैं क्योंकि ये जोड़ रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं तो पीछे वाली संख्या के आगे जोड़ का निशान आ जाएगा तो जोड़ था ही हमारे पास, तो यहाँ पे आंसर एक आ गया, यहाँ पे यदि मैं लूंगा प्लस और माइनस को एक को ढकूंगा तो माइनस का दो हो गया और तीन में से दो गए अभी क्या बचेगा एक बचेगा, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि जो मैं संख्या पहले और आखिरी में लेके कर रहा हूं, पहले ए प्लस बी मतलब पहली संख्या में दूसरी संख्या जोड़ू और दूसरी संख्या में पहली संख्या जोड़ू तो परिणाम है वो समान आता है, इसका मतलब पूर्णांक है वो योग के अंतर्गत क्रम विनिमेय है। तो कोई भी पूर्णांक हम उठा लें, प्लस का लें या माइनस का लें, पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें, धन का लें या ऋण का लें, यदि उनका जोड़ करूंगा मैं उसी क्रम में करूंगा कि पहले एक संख्या फिर दूसरी संख्या जोड़ी या पहली संख्या में दूसरी संख्या जोड़ी या दूसरी संख्या में पहली संख्या जोड़ी तो परिणाम हमेशा समान आएगा, तो ये योग के अंतर्गत क्या है समृद्ध है। ऐसे ही हम घटाव के अंतर्गत देख लेते हैं कि यदि मैं दो में से तीन घटाऊं और फिर उल्टा करूं तीन में से दो घटा दूं तो क्या परिणाम बराबर आएगा, इसको देखते हैं। दो में से तीन घटाऊंगा तो घटाव का एक बचेगा और तीन में से दो घटाऊंगा तो जोड़ का एक बचेगा, क्या दोनों बराबर है, दोनों बराबर नहीं है क्योंकि एक अलग पूर्णांक है और माइनस एक नेगेटिव एक अलग पूर्णांक है। तो ये तो पहला ही जो हमने एक भी उदाहरण लिया है तो इसके अंतर्गत ये दोनों बराबर नहीं आया है, मतलब जो पूर्णांक है वो क्रम विनिमेय के जो व्याकरण के अंदर घटाव के अंदर क्रम विनिमेय नहीं है। बच्चों हम बहुत सारे उदाहरण लेके इन प्रश्नों को करते हैं, यदि एक भी उदाहरण में हम परिणाम तक नहीं पहुंचे हैं इसका मतलब वो चीज उसके ऊपर लागू नहीं होगी, वो नियम उसके ऊपर लागू नहीं होगा। तो घटाव का यदि एक भी प्रश्न, एक नहीं आप और भी लेके देख लें, आप सिंपल से पांच में से आठ घटाएं और आठ में से पांच घटाएं, घटाओ पांच में से आठ गए नेगेटिव तीन और आठ में से पांच गए पॉजिटिव तीन, ये भी दोनों बराबर नहीं है। तो घटाव के अंतर्गत पूर्णांक है वो क्रम विनिमेय नहीं है। एक गुण है इसका साहचर्य, साहचर्य को हम किस प्रकार से लेंगे कि इसमें हम तीन संख्याएं ले लेते हैं अपनी मर्जी से, कि पहले दो संख्याओं को जोड़ें और फिर अगली संख्या जोड़ें या फिर पहले पीछे वाली दो संख्याओं को जोड़ें फिर पहले वाली संख्या जोड़ें, क्या परिणाम बराबर आएगा,
उनको जोड़ो, पांच जमा पांच, और इधर से दो जमा पांच अट्ठी आठ, ये हो गया दस, ये भी आ गया दस, तो बराबर आया इसका। या इसमें हम कुछ और तब्दीली भी कर सकते हैं, मैं यहां पे माइनस का ये नेगेटिव पांच ले रहा हूं, तो यहां पे ये जोड़ में नेगेटिव पांच हो जाएगा, और ये ब्रैकेट में बड़ी बना दूंगा। यदि मैं इस प्रकार से भी इसको लू, इस प्रकार से लेते हैं, तो दोनों पांच हो गए। अब नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव को हम देखें तो क्या आएगा हमारे पास, नेगेटिव पांच ही आया है, ये दो था प्लस। अब पॉजिटिव और नेगेटिव यहां से देखें, पहले इसको अंदर ही सोल्व करना पड़ेगा, तीन पॉजिटिव और नेगेटिव, फिर नेगेटिव पांच आया है, इसका मान तीन में से पांच गए नेगेटिव दो आ गया। अब पांच में से पांच गए शून्य, लेकिन इधर दो पॉजिटिव और नेगेटिव फिर इकट्ठे हो गए, देखो पॉजिटिव नेगेटिव इकट्ठे होते हमारे पास क्या आ गया, नेगेटिव दो, और दो में से दो गए, ये भी क्या बन जाएगा, शून्य बन जाएगा। तो इसका मान क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। मतलब यदि तीन संख्याएं हम ले, तीन संख्याएं हम ले, पहली ए, दूसरी बी और तीसरी सी, यदि पहली दो संख्याओं को जोड़ें और उसके बाद उसमें तीसरी संख्या जोड़ें, तो यदि हम पीछे वाली दो संख्याओं को जोड़ के फिर पहली जोड़ें, उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, परिणाम हमेशा क्या आएगा, समान आएगा। तो ये साहचर्य गुण है पूर्णांकों का, इसका मतलब जो पूर्णांक है वो योग के अंतर्गत क्या है, साहचर्य है। अब घटाओं में भी इसी प्रकार हम देख लेते हैं, जोड़ का हमने देखा है, अब घटाओं में यदि हम देखेंगे, हम सिंपल से ही उदाहरण ले लेते हैं, वही दो, दो में से तीन घटाएंगे फिर पांच घटाएंगे, या फिर दो घटा पहले तीन और पांच को घटाएंगे, यही करके देख लेते हैं। दो में से तीन गए, नेगेटिव एक आ गया, नेगेटिव पांच बाद में था। अब उधर से हम देखेंगे तो दो नेगेटिव पहले तो अंदर ही या तीन में से माइनस जाएंगे, तो नेगेटिव दो बचेगा। अब यहां पे देखो नेगेटिव और नेगेटिव, दो नेगेटिव आ गए ना, दो नेगेटिव को जब हम यहां से देखेंगे तो हमारे पास क्या बन रहा है, पॉजिटिव बन रहा है दो। अब नेगेटिव वन नेगेटिव फाइव कितना गया, नेगेटिव सिक्स, और दो जमा दो क्या हो गया, चार, ये दोनों बराबर नहीं आए। नहीं आए तो मतलब जो पूर्णांक है वो घटाव के अंतर्गत साहचर्य नहीं है। बच्चों हमारे पास अब यही चीजें आई है कि पहले समृत लिया था, योग के अंतर्गत पूर्णांक समृत होते हैं, घटाव के अंदर भी समृत होते हैं, हमने देखा क्रम विनिमय के अंतर्गत जो पूर्णांक है योग के अंतर्गत वो क्रम विनिमय है लेकिन घटाव के अंतर्गत नहीं है, उसी प्रकार साहचर्य योग के अंतर्गत मिले हैं और कर्म विनिमय सॉरी व्याकलन के अंदर घटाव के अंदर नहीं मिले हैं। अभी हमारे पास ये परिणाम हमने खुद देखे हैं, ये आगे आने वाले प्रश्नों में काम आएंगे, इसलिए आपको करवाया गया है। और एक और चीज हमारे पास यहाँ पे आती है, इनके अलावा योज्य तत्स्वक, योज्य तत्स्वक के बारे में कल बताया था कि किसी संख्या में उस संख्या को जोड़ने से पहले वाली संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो कौन सी है, शून्य है। यदि हम पांच में शून्य जोड़े तो भी शून्य आएगा, और शून्य में पांच जोड़े सॉरी पांच आएगा, यदि पांच में शून्य जोड़े पांच आएगा और शून्य में पांच जोड़े तो भी पांच ही आएगा, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात कोई संख्या ए है, यदि उसमें शून्य जोड़े तो क्या आएगा, ए ही आएगा, और शून्य में ए जोड़े तो भी हमारा परिणाम क्या आएगा, ए आएगा। इसको हम क्या कहेंगे, योज्य तत्स्वक। और दूसरी एक और बात आती है कि एक संख्या के ऋण में से एक संख्या को यदि उसके ही ऋण को निकाल लें, एक संख्या में से उसके ही ऋण को निकाल लें, उसके ही नेगेटिव को निकाल लें, तो उत्तर हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। कैसे, जैसे पांच में से पांच घटा दिया मैं तो क्या बच गया, शून्य है। माइनस पांच में पांच जोड़ दिया क्या आ गया, शून्य, नेगेटिव पांच चला है, एक जोड़ का एक घटाव का होगा तो हमेशा दोनों का जोड़ क्या आएगा, शून्य। पूर्णांकों की जोड़ और घटा से संबंधित प्रश्न हमारे पास इस प्रकार से आ सकते हैं कि दो पूर्णांक लीजिए जिनका जोड़ या तो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, या घटाव या पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, घटाव में हो, ऋण में हो या धन में हो, या एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक लीजिए इन्हीं चारों चरणों में, या फिर दो ऋणात्मक पूर्णांक लीजिए तीन चरणों में, क्योंकि चौथा चरण यहाँ छोड़ दिया गया है, कि निभी दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग कभी भी जोड़ में नहीं आएगा। दो ऋणात्मक पूर्णांक यदि जुड़ेंगे तो वो ऋणात्मक ही रहेंगे, तो इसलिए ये संभव नहीं है, इसको मैंने पहले ही काट दिया। अब इस तालिका को समझने के लिए हमें देखें, मैंने कुछ निशान लगा रखे हैं यहाँ पे, कि यदि दो पूर्णांक हमें लेने हैं
और उनका योग घटा में हो, तो उसमें जो संख्या है बिना उसके चिन्ह को देखे हुए जो संख्या है उसको हम देख लें, उस दो ऐसी संख्याएं लीजिए इनका जोड़ चार हो या घटा चार हो। मैं कुछ संख्याएं लेके देखता हूं, जोड़ चार किस किस का हो जाएगा, एक का और तीन का, जोड़ की स्थिति में। और घटा की स्थिति में मैं घटा किस किस की लूंगा, एक पांच ले लिया, थोड़ा बड़ा ले लेता हूं, चलो मैं एक नौ ले लिया और एक पांच ले लिया। सेम यही स्थिति जोड़ वाली के लिए भी रखें, इसमें मैंने ले लिया एक दो ले लिया एक तीन ले लिया, और यदि घटाव के रूप में लूंगा एक मैंने ग्यारह ले लिया एक मैंने छह ले लिया। अब चिन्हों पर जाते हैं, ये तो मैंने सिर्फ संख्याएं ली हैं भाई, हाँ इनका जोड़ भी हो सकता है और दो संख्याओं की घटा भी ये बन सकता है। अब इस स्थिति में यदि मैं इन दोनों का जोड़ नेगेटिव चार बन रहा है तो दोनों नेगेटिव में आ जाएंगे, यदि दोनों का जोड़ पॉजिटिव पांच बन रहा है तो दोनों पॉजिटिव में आ जाएंगे। समझाइए, यदि दोनों का जोड़ उस संख्या के बराबर है तो संख्या देखनी है, उसका साइन जो है उसका चिन्ह जो है, यदि वो नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव होंगे, यदि वो पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव होंगे। दूसरी बात, यदि उन संख्याओं का अंतर संख्या के बराबर है तो हमें यह देखना है कि संख्या का चिन्ह है यदि नेगेटिव है तो बड़ी संख्या नेगेटिव लेनी है, और यदि पॉजिटिव है तो छोटी संख्या नेगेटिव लेनी है। समझ आया? यदि दो संख्याओं की घटा उस संख्या के बराबर आ रही है और उसका चिन्ह नेगेटिव है तो बड़ी संख्या नेगेटिव लेनी है, यदि उसका चिन्ह पॉजिटिव है तो छोटी संख्या नेगेटिव लेनी है। बस यही चीज ध्यान में रखना है। अब हम आगे घटाव पे चलते हैं, घटाव में भी हम जोड़ भी कर सकते हैं और घटा भी कर सकते हैं, दोनों परिस्थितियों में मैं इसको लूंगा, और जब दोनों परिस्थितियों में लेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा। फिर भी मैंने यहां जोड़ और घटा ही दिखा रखा है कि इन दोनों संख्याओं का जोड़ भी आप देख लें। जोड़ हमारे पास आ सकता है इसका तीन और चार, और इसका जोड़ क्या बनेगा, दो और एक। अब घटाव की स्थिति में ले लें, मैं आठ और एक ले रहा हूं, घटाव की स्थिति में मैंने आठ और एक लिया है, और जोड़ की स्थिति घटाव की स्थिति में यहां भी पांच और सॉरी दो और पांच ले रहा हूं, दो और पांच ले रहा हूं। चलो अब इस परिस्थिति में हमें क्या करना है, सिर्फ दो पूर्णांक हैं, जोड़ घटा कोई भी हो सकता है, वो तो अब हमें लगाना है कि कौन सा जोड़ है कौन सा घटा है। अब यदि जोड़ ये घटाव पे बात आ रही है, घटाव इसका सात है और लेकिन जोड़ बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले वाले साइड में नेगेटिव, पहले वाले साइड में पॉजिटिव रखेंगे, दूसरे वाले चिन्ह को नेगेटिव बना देंगे, दूसरे वाले को नेगेटिव बनाना है जब जोड़ का बने, क्योंकि दूसरे वाला नेगेटिव है, फिर इसके साथ एक और नेगेटिव जब घटाव का निशान लगेगा तो उसके साथ वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, धन का बन जाएगा, तो धन का बन के तीन और चार फिर सात हो जाएंगे। और यदि यही चीज मैं घटा में लूं तो जोड़ आ रहा है तो पहले वाला साइन लेना है, नेगेटिव नेगेटिव में आ रहा है तो पहले वाला साइन नेगेटिव लिया, क्यों, क्योंकि दूसरा तो जो घटाव का निशान आएगा उसके साथ नेगेटिव हो जाएगा, और दो नेगेटिव फिर जोड़ दो और एक का नेगेटिव जोड़ क्या बन जाएगा, नेगेटिव तीन। और जब यही चीज घटाव में आती है, जब हम घटाव में इसको देखेंगे, चलो भी रे आगे, जब यही चीज हम घटाव में देखेंगे तो हमें यह देखना है कि पहले वाले में से दूसरा घटने पर हमारा आंसर सही आ रहा है तो दोनों पॉजिटिव रखने हैं, दोनों पॉजिटिव रखो, पीछे वाला नेगेटिव का हो जाएगा और हमारे पास आंसर सही आ जाएगा। और इसमें हमें यह करना है कि बड़ा अंक पीछे लेना है, ये नेगेटिव का होकर नेगेटिव साइन ही देगा, जब इसको घटाएंगे नेगेटिव का हो जाएगा, नेगेटिव पांच और जोड़ का तो क्या आ जाएगा, हमारे पास नेगेटिव तीन हो जाएगा। ये तो था सिर्फ पूर्णांकों के लिए, जो हमें सिर्फ ये दे दिया भाई पूर्णांक कोई भी ले लो आप, तो इसको फॉलो करना है। और यदि हमें दे दिया कि एक धनात्मक होकर एक ऋणात्मक पूर्णांक ही लेना है तो हमें हर स्थिति में उनकी घटा ही लेनी पड़ेगी, हर स्थिति में घटा लेनी पड़ेगी, मतलब ये वाला जो पूरा का पूरा पोर्शन है ये इसके साथ आ जाएगा जोड़ की स्थिति में, माइनस नौ या माइनस दस, और एक और छह ले लें, एक घटा का है और एक जोड़ का है, जिनको जोड़ेंगे तो ये आ गया, या फिर इसकी जगह मैं कुछ और ले लेता हूं, इसकी जगह मैंने नौ ले लिया और घटा का चार ले लिया, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो यह स्थिति जोड़ की बिल्कुल इसके साथ आ जाएगी जो धनात्मक वाली है।
अब यदि मैं यहां पे देखूं, यहां पे मैंने जोड़ देखा, अब इनका जोड़ आना चाहिए, तो ये स्थिति हमारे पास आएगी, ये वाली स्थिति बिल्कुल इसको फॉलो करेगी जो ऊपर वाली है। यदि तीन और माइनस चार ले रहा हूं मैं, और माइनस दो और एक ले रहा हूं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है हमारे पास। जब इसको माइनस किया जाएगा, घटाव किया जाएगा, तो पीछे वाला निशान बदल जाएगा, बदल जाएगा, तो तीन और चार क्या हो गए, सात, और माइनस दो है और नेगेटिव दो है, और ये भी माइनस निशान के साथ नेगेटिव एक हो जाएगा, तो ये तीन हो गए। मतलब यहां जो पहले दो पूर्णांकों में ये स्थिति हमारे पास दो पूर्णांकों की ये बनी है, एक धनात्मक एक ऋणात्मक की बिल्कुल सेम है। इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर दिया, हम यहां पे इसको भी रख सकते हैं बिल्कुल ऐसे कैसे, लेकिन थोड़ा सा आगे पीछे बढ़ा के मैंने चेंज कर दिया। और जो घटाव वाली स्थिति थी दो पूर्णांकों की, वो बिल्कुल इसमें एक धनात्मक और एक ऋणात्मक के रूप में बनेगी। अब दो ऋणात्मकों की यदि हम बात करेंगे, जब जोड़ ऋणात्मक आ रहा हो तो हमें जोड़ ही लेना है उनका, चार किस चीज का जोड़ आ रहा है, बिल्कुल इन्हीं का जोड़ आ रहा है, चार माइनस एक और माइनस तीन, या माइनस तीन नेगेटिव तीन नेगेटिव एक, ये दो बन गए हमारे पास। अब घटाव की स्थिति में हमें घटाव लेना है, घटाव कहां पे लिया था, यहां पे। लेकिन यहां एक चीज का ध्यान रखना है कि ऋणात्मक है दोनों, और यदि हमें पॉजिटिव साइन चाहिए तो पीछे वाला अंक बड़ा लेना पड़ेगा उनके अंतर का। अब मैंने देखो नेगेटिव ले लिए, दोनों पॉजिटिव थे तो मैंने नेगेटिव ले लिए और पीछे वाला अंक बड़ा ले लिया, और यदि ऋणात्मक आएगा तो इसका उल्टा हो जाएगा, पहले वाला अंक बड़ा आएगा। बड़ा का मतलब ये ना सोचे कि नेगेटिव पांच और नेगेटिव दो, मैं पांच और दो की बात कर रहा हूं, नेगेटिव साइन तो उनके साथ लगेगा ही, मैं पांच और दो की बात कर रहा हूं कि पांच बड़ा आएगा दो छोटा, फिर नेगेटिव साइन लग गए तो चलो उल्टे हो जाएंगे ये, क्योंकि ये नेगेटिव साइन लग के ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव होने के बाद फिर इसके साथ यदि जुड़ेगा तो नेगेटिव तीन ही देगा। यहां इस स्थिति को फिर मैं यहां पे ले रहा हूं, इस स्थिति को जब मैंने यहां पे लिया कि नेगेटिव एक और नेगेटिव आठ दोनों नेगेटिव लेने थे ना, और जो यदि हम उसको माइनस करेंगे घटाव करेंगे तो पीछे वाला निशान बदलेगा, तो पीछे वाला बड़ा इसलिए लिया कि बदल के वो जोड़ का बन जाए, और पीछे वाला छोटा इसमें इसलिए लिया गया कि वो बदल के किस में जाए, जोड़ में बदल जाए, और नेगेटिव का हमारा जो परिणाम है वो नेगेटिव आए। इस प्रकार से क्वेश्चन आप ले सकते हैं। अभी इसके तीसरे प्रश्न पे आते हैं, तीसरा प्रश्न मैं पढ़ रहा हूं। किसी प्रश्नोत्तरी के तीन उत्तरोत्तर चक्रों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक नेगेटिव 40, 10, 0 थे, और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 0, नेगेटिव 40 थे। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? हमने अभी साहचर्य गुण के अंदर यह चीज देखा था, जो पूर्णांकों का योग के अंतर्गत साहचर्य गुण था। देखो तीनों टीम ए और टीम बी दोनों ने नेगेटिव 40, 10, 0, और उसने 10, 0, नेगेटिव 40, वही तीन अंक बराबर बनाए हैं। इनको किसी भी क्रम में जोड़ेंगे तो उत्तर हमेशा क्या आएगा, बराबर ही आएगा, समान ही आएगा, साहचर्य गुण है। तो किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? दोनों ने बराबर अंक प्राप्त किए। क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? हाँ, ये हमने क्रम विनिमय में भी देखा है और ये हमने साहचर्य में भी देखा है। हम इस प्रश्नावली के आखिरी प्रश्न की बात करें तो हमारे पास ये है, ये देखिए, नेगेटिव पांच में नेगेटिव आठ जोड़ा जाता है, तो नेगेटिव आठ में क्या जोड़ने पर परिणाम वही आएगा, ये हमारा क्रम विनिमय गुण है, गुण है, तो माइनस नेगेटिव पांच जोड़ने पर आएगा, बिल्कुल यही वहां का वहां चला जाएगा, ये दोनों सेम है। नेगेटिव त्रेपन में क्या जोड़ेगी? नेगेटिव त्रेपन ही आएगी। क्या बताया था कि किसी संख्या में वो संख्या जोड़ दें तो पहले वाली संख्या ही रहती है, इसको जोड़ेंगे शून्य को, पता है आपको। 17 में क्या जोड़े कि जीरो आए। अब एक संख्या में क्या जोड़ते हैं? उसका हमेशा नेगेटिव जोड़ते हैं, यदि ये जोड़ का है तो क्या आएगा, नेगेटिव 17 आ जाएगा। और यदि कोई साइन है उसके बाद हमें नेगेटिव साइन लेना होगा तो उसको ब्रैकेट में लेना है, इस चीज का ध्यान रखना है संख्या को। अब यहां पे 13 में नेगेटिव 12 जोड़ने पर जोड़े और उसके बाद एक और संख्या जोड़े कि ये बने 13 नेगेटिव 12 नेगेटिव 7। साहचर्य गुण को देखें कि दो संख्याओं को पहले जोड़े तीसरी जोड़ दें, या फिर लास्ट वाली दोनों संख्याओं को जोड़े और फिर पहले जोड़ दें, परिणाम बराबर आता है। तो इसकी तीसरी संख्या कौन सी है? नेगेटिव 7 है। अब इसमें भी ये भी आपको साहचर्य गुण दिख रहा है, देखो पहले दो संख्याएं ऐसे की ऐसी है, लास्ट वाली दोनों को जोड़े या पहली जोड़ दें, पहले वाली दोनों को जोड़े तो लास्ट वाली हमारे पास कितनी आएगी, नेगेटिव
थ्री, और अब यहाँ पे पॉजिटिव निशान था ना, तो मैंने कहा था कि यदि एक निशान हो नेगेटिव से पहले तो उसको किस में लेना है, ब्रैकेट में लेना है। तो बच्चों ये प्रश्नावली भी आपकी पूरी हो चुकी है, आप इसको घर पे बैठ के आराम से कीजिए और अपने अपने अध्यापकों को दिखाइए।